करोना 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 इस हफ्ते तो यार हर जगह करोना वायरस से ही रिलेटेड न्यूज़ है। तो इस हफ्ते की स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़ के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार करोना वायरस ने डिफरेंट स्टार्टअप्स और बिजनेस को कैसे इफेक्ट किया है। मुकेश अंबानी एक चीज़ में फाइनली हार गए हैं, अभी तक काफ़ी बढ़िया टाइम चल रहा था पर पिछले कुछ दिन उनके लिए काफ़ी बुरे रहे हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कई स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिली है, तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि यार इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब हम ये वीडियो जल्द से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ सेंसेक्स के क्रैश से रिलेटेड है। इस हफ्ते तो यार सेंसेक्स कंटिन्यूसली इतनी बार इतना ज़्यादा गिरे जा रहा था कि फ्राइडे को 45 मिनट्स तक ट्रेडिंग रोकनी पड़ी क्योंकि यार वो कंटिन्यूसली लोअर सर्किट हिट कर रहा था। अगर हम देखें मंडे 9th मार्च मतलब होली के एक दिन पहले सेंसेक्स 1941 पॉइंट्स गिरा, तो लोगों को लगा कि यार ये लोएस्ट है, अब इसके नीचे क्या ही जाएगा। वैसे ही यस बैंक का धक्का हो चुका था और कोरोना वायरस भी काफ़ी फैलने लगा था, पर फिर जब WHO ने कोरोना वायरस को एक पैंडेमिक घोषित कर दिया और इंडिया ने कई ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बाहर की कंट्रीज ने भी लॉकडाउन शुरू कर दिया, तो थर्सडे यानी 12th मार्च को वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल हुआ सेंसेक्स का, जब सेंसेक्स 2919 पॉइंट्स नीचे गिरा। तो दोस्तों जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा ना उनकी हालत सही में यार काफ़ी ख़राब हो गई होगी, उनका दर्द हम नहीं समझ पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया और पैसे उड़ाने लग गए, अभी आपको म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करना चाहिए। और मैं रेकमेंड करूंगा कि यार आप इजी प्लान ऐप यूज़ करें। तो इजी प्लान का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपने ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड किया, आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि यार मुझे आगे जाके बाइक खरीदनी है, घर खरीदना है या हॉलीडेज में जाना है, अपने हिसाब से गोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा फॉर्म भर देंगे और अपने गोल के हिसाब से आपको रेगुलर रिमाइंडर्स मिलेंगे और आराम से आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने गोल सेट किया है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इजी प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में जाता है, तो इसमें रिटर्न्स तो बढ़िया मिलते ही हैं पर इंपॉर्टेंट बात यह कि यार आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। पिछले 13 साल के अगर आप ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के रिटर्न्स देखेंगे एवरेज में 7.2% मिला है। और इसमें रिस्क इसीलिए कम होता है क्योंकि यार ये शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, मोस्टली डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिस्क भी बहुत कम है, रिटर्न्स भी बढ़िया है और सबसे बढ़िया बात कोई पेनल्टी नहीं है। जब आप चाहे पैसे डाल सकते हो, जब आप चाहे पैसे निकाल सकते हो, जितना आप पैसे चाहे डाल सकते हो। एक महीने कभी आपने 200 रुपये डाला, अगले महीने आपने 2000 रुपये डाला, वो आपके ऊपर है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आप हर महीने इन्वेस्ट करें ताकि आप इन्वेस्टिंग की हैबिट बिल्ड कर पाए। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। दूसरी न्यूज़ में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या हुआ है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यार ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो ने नॉर्मल मेल्स भेज दिए जिसमें उन्होंने एडवाइस किया प्रिकॉशंस लेने को, पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जिससे कि यार उनके डिलीवरी पार्टनर ज़्यादा सेफ रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यार ओला उबर में जो ड्राइव करते हैं और स्विगी जोमैटो में जो डिलीवर करते हैं वो एक दिन में कई लोगों से मिलते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके ऊपर ये स्टार्टअप्स ने कोई डिस्कस नहीं किया हुआ। ओला और उबर पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस ने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि यार वर्क फ्रॉम होम कर लो, पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रैवल स्टार्टअप जैसे मेक माई ट्रिप, एक्सीगो, यात्रा इनको पड़ रहा है क्योंकि यार अब सारे लोग अपने प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं, सारे टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, तो ये स्टार्टअप्स को सारा रिफंड करना पड़ रहा है अपने कस्टमर्स को। तो लगता है कि यार ट्रैवल स्टार्टअप्स का इस क्वार्टर का रेवेन्यू काफ़ी इफेक्ट होने वाला है कोरोना वायरस के चलते। पर जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि एडटेक स्टार्टअप्स ने अपनी सर्विसेज अब फ्री कर ली हैं, चाहे वो बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, टॉपर, ये सारे स्टार्टअप्स ने अभी अपनी सर्विसेज फ्री कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यार अभी सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो ताकि बच्चों की पढ़ाई नेगेटिवली ना इम्पैक्ट हो ये एडटेक स्टार्टअप्स ने अपने मोस्ट ऑफ द सर्विसेज फ्री कर ली हैं। तो आप में से जितने भी अभी स्टूडेंट्स हो और आप अनअकैडमी, बायजूस, टॉपर, वेदांतु ये सब यूज़ करना चाहते हो तो अभी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, देखो कि यार उनके कोर्सेज कैसे हैं और उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। क्या आप चाहते हैं कि यार मैं डिटेल में ये सारे स्टार्टअप्स का रिव्यू वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि यार बायजूस के कोर्सेज के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वैसे वेदांतु के कोर्सेज के क्या फ़ायदा हैं, टॉपर के कोर्सेज के क्या फ़ायदा है, अनअकैडमी प्लस के क्या फ़ायदा है, और इन सारे स्टार्टअप्स के कोर्सेज को कंपेयर करके भी एक और वीडियो बनाऊं। तो अगर आप एडटेक स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल रिव्यू और कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तीसरी न्यूज़ ये है कि यार अब मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन ना रहे, अब वापस से अलीबाबा के फाउंडर जैक मा एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। उनकी नेटवर्थ करीब $45.7 बिलियन है और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ करीब $42 बिलियन है। तो मंडे मार्च 9th को मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $5.8 बिलियन गिर गई। पिछले 70 दिनों में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ करीब $15 बिलियन गिरी है, यहाँ तक कि रिलायंस का मार्केट कैप
₹3.6 लाख करोड़ कम हुआ है पिछले 110 दिन में। और अब रिलायंस इंडिया की मोस्ट वैल्यूबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी ना रही, वापस से TCS बन गई है इंडिया की मोस्ट वैल्यूबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। तो अलीबाबा को भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से, पर उनका क्लाउड और एप्स का बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया है जिससे कि यार ओवरऑल ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा अलीबाबा को। पर एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यार ये कोरोना वायरस वाला इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है, कुछ महीनों बाद ठीक हो जाएगा और तब होपफुली रिलायंस और मुकेश अंबानी दोनों कमबैक कर लेंगे, क्योंकि यार मुकेश अंबानी काफ़ी ज़्यादा अभी जियो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जियो नई नई सर्विसेज नई नई चीज़ें लेके आने वाला है। तो देखते हैं कि यार कब तक रिलायंस और मुकेश अंबानी कमबैक कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली है। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टार्टअप मल्टी लिविंग ने अभी लोधा वेंचर से 6 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 42 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग उठा ली है। तो इस फंडिंग के बाद उन्होंने मुंबई में भी अपने ऑपरेशन एक्सपैंड कर लिए हैं। मल्टी लिविंग की शुरुआत 2019 में हुई थी। और बेसिकली वो टीनेंट्स को क्यूरेटेड अपार्टमेंट्स देते हैं जिसमें पर्सनलाइज सर्विसेज भी मिलती हैं। तो टीनेंट्स को बढ़िया गेटेड सोसाइटीज़ में घर मिलते हैं। इसके अलावा ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब AC, गीज़र, मॉडुलर किचन ये सब इंक्लूडेड होता है, होम इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होता है। पर जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है मल्टी लिविंग का दूसरे रेंटल स्टार्टअप से वो ये कि ये पर्सनलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप मल्टी लिविंग का ऐप यूज़ करके ग्रॉसरीज ऑर्डर करना, आप कोई पार्टी का प्लान करना, ड्राई क्लीनिंग करवाना, कोई डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी निकालना, बिल्कुल पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें होम ओनर्स का भी फायदा है क्योंकि यार उनके अपार्टमेंट को इतना बढ़िया तरीके से अपग्रेड करके टीनेंट्स को दिया जा रहा है, वो भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे और टीनेंट्स का तो फायदा है ही, उनको घर के साथ ये सारी इतनी सारी सर्विसेज भी मिल रही हैं। तो आप देखते हैं यार इस फंडिंग की मदद से मल्टी लिविंग और कहाँ कहाँ एक्सपैंड करता है। दूसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप फैम्पे ने अपने सीड राउंड में अभी 4.7 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज करी है वेंचर हाईवे, सेकुआ इंडिया, वाई कॉम्बिनेटर और कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स जैसे क्रेट के फाउंडर कुणाल शाह, पाइन लैब्स के CEO अमरेश राव, उसके अलावा ट्विच के co-founder, रॉबिनहुड के co-founder, कई सारे ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं। तो फैम्पे की शुरुआत पिछले साल 2019 में हुई थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार उनके फाउंडर्स IIT रुड़की के ग्रेजुएट्स हैं और वो पिछले साल ही पास आउट हुए हैं, मतलब पास आउट होते ही 2-3 महीनों में उन्होंने स्टार्टअप खोल लिया और एक साल में इतना बड़ा सीड राउंड भी उठा लिया। मानना पड़ेगा यार ये तो सही में तारीफ के लायक है। तो फैम्पे बेसिकली उनको टारगेट करता जो अंडर 18 है। तो उनका कहना है कि यार स्कूल्स कॉलेजेस में टीनेजर्स को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिलती इतनी, तो फैम्पे जो भी अंडर 18 है उनको डेबिट कार्ड देता है बिना बैंक अकाउंट के ज़रूरत के। तो इस डेबिट कार्ड से वो ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट, सारी पेमेंट्स कर सकते हैं और बेसिकली इसमें पैसे उनके पेरेंट्स डालते हैं और जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो भी पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों को पैसे यूज़ करना आ जाएगा काफ़ी यंग एज से और आगे जाके जब वो एक्चुअली में कमाएंगे वो पैसों का मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो डेबिट कार्ड इशू करने के लिए उन्होंने IDFC बैंक के साथ टाइप किया है और इस फंडिंग की मदद से वो अपनी टीम को और एक्सपैंड करेंगे और नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। तीसरी फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म एयरमीट ने अभी 3 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यार पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस कितना ज़्यादा स्प्रेड हो गया और इससे कई सारे कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स कैंसिल हो गए, यहाँ तक कि MWC यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भी कैंसिल हो गया है। तो एयरमीट्स यूज़ करके बेसिकली आप ये सारे इवेंट्स ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हो, मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बन जाएगा और उनका कहना है कि यार एक साथ 1 मिलियन लोग भी अटेंड कर सकते हैं। उनका प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है और भी कई फायदे हैं, कोई फाइल्स या कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, सीधा ब्राउज़र से ही इवेंट एक्सेस कर सकते हो और 1-to-1, 1-to-many नेटवर्किंग तक कर सकते हो। तो बेसिकली जो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग ऑफलाइन मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस या इवेंट्स अटेंड करते हैं वो सारी चीज़ें एयरमीट ऑनलाइन मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अब टाइम ही बताएगा कि यार आगे जाके एयरमीट कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। फंडिंग तो रेज कर ली, फीचर्स भी काफ़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया, पर एक्चुअली में क्या वो ऑफलाइन इवेंट्स के साथ कम्पीट कर पाएगा, आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़े स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं स्टार्टअप के प्रोडक्ट रिव्यूज़ देना शुरू करूं, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार बायजूस की क्लासेस कितने इफेक्टिव हैं, अनअकैडमी के क्लासेस कितने इफेक्टिव हैं, वेदांतु का क्या फ़ायदा है, टॉपर के क्या फ़ायदा है और इन सारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आपको क्या खरीदना चाहिए। तो अगर इन स्टार्टअप प्रोडक्ट्स पे आप रिव्यूज़ चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।
इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार, वहाँ जल्दी आके फॉलो कर लो, वहाँ अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो क्योंकि यार वहाँ पर एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।